हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टर चैनल पे। हूँ आप सबका दोस्त सी अशोक। फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा अशोका बिल्ड शेयर के बारे में। आपने कभी ना कभी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा ही होगा। जब लॉकडाउन था और जब मार्केट ने 10,000 से 18,000 तक की रैली दी थी, तो इस शेयर ने भी 100% के इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया था। मैं आपको बता देता हूँ, अशोका बिल्ड कौन May 13, 1993 को इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मेनली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो मॉडल पे काम करती है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पे और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस पे ये काम करती है। आइए फ्रेंड, इसकी HDFC सिक्योरिटी से रिपोर्ट आई है, हम रिपोर्ट के बेसिस पे आपको समझा देते हैं कि आगे इस शेयर के साथ क्या होने वाला है और क्या रहने वाला है। पहले हम आपको बता देते हैं कि बाय का रिकमेंडेशन दिया गया है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है ₹71 और जो टारगेट प्राइस उन्होंने बोला गया है वो ₹140। 100% रिटर्न के साथ इन्होंने इसका टारगेट दिया है। आइए मैं आपको इसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा देता हूँ। ये रुपीज इन मिलियन है। हम नेट सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसमें 12.4% का जंप देखने को मिला है और लास्ट क्वार्टर से बात करें तो 41.3% का जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा जंप है। हम एबिटा की बात करें तो एबिटा लास्ट ईयर के मुकाबले 22.3% की गिरावट देखने को मिली है और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इसके अंदर 29.5% का जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 26% का जंप देखने को मिला है लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से 132% का जंप देखने को मिला है। तो फ्रेंड देखिए, अबीटा खराब है मतलब इन्होंने अपने कोई खर्चे ऐसे हैं जो कम करे हैं, जिससे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 26% की जो ग्रोथ है वो लास्ट ईयर से है और 132% की ग्रोथ जो है वो लास्ट क्वार्टर से है। और ईपीएस की बात करूँ तो ईपीएस इस क्वार्टर का है इनका 6.7 रुपीज, लास्ट ईयर था 5.3 रुपीज और लास्ट क्वार्टर के अंदर था 2.9। ओवरऑल साइडवेज रिजल्ट्स हैं। ईपीएस भी अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है क्योंकि जो प्रॉफिट इनका है वो 188 करोड़ रुपीज का है। अच्छा है बट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आइए मैं इसकी फंडामेंटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, मैं टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 5 ईयर का चार्ट लगा रखा है और ये जो शेयर है मैक्सिमम 190 रुपीज गया है और आज ये 71 रुपीज 90 पैसे चल रहा है। और हम 1 ईयर पे भी देख ले तो ये शेयर बिल्कुल ही बियरिश ट्रेंड के अंदर है। सारे सपोर्ट जितने भी हैं इसने तोड़ दिए हैं, कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है जो ये होल्ड कर चल रहा हो। और 3 मंथ के अंदर भी देखिए फ्रेंड, मतलब जिस जिसने पैसा लगाया उसका तो वेल्थ डिस्ट्रॉय बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर कोई इसे होल्ड कर रहा है तो मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। पहला जो इसका रेजिस्टेंस है वो बन के आ रहा है 60 रुपीज के आसपास बनकर आ रहा है और जो दूसरा इसका रेजिस्टेंस है वो 50 रुपीज बनकर आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन इस शेयर को होल्ड कर रहा है और किस प्राइस पे आप इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं। और कोई आप ऐसा कंपनी का शेयर चाहते हैं कि जिसपे हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों की वीडियो बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।